तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार जी दरखास्त लेकर खड़े हैं क्या भाजपा के? अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया कि हमारे साथ आए। नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाना। में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है। ये सब जुमलेबाज है, कोई काम नहीं है, अपना प्रचार करना है। और देश में सिर्फ एक ही सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे खराब किया जाए, धार्मिक उन्माद कैसे पैदा किया जाए, इसी में काम में दिन भर लगे रहते हैं। अब उसको कुछ नहीं चलने वाला है। 2024 में आपका दुकान दौरी बंद होगा। चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता आपका राजनीतिक इलाज करती रहे। अब यहाँ आ रहे हैं, कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को का लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अरे नीतीश कुमार जी दरखास्त लेकर खड़े हैं क्या भाजपा के दफ्तर में? 2017 में भी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया कि हमारे साथ आई, और तब गए वो। दरखास्त लेके नहीं खड़ा है। नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाना। आप अपना बंद करके रखिए ना, कोई नहीं जाने वाला है। जितना एनडीए के एलआई थे सब एक एक करके निकल गए ना, तो आप तो भगाने में विश्वास करते हैं। आप लीजिएगा किसको काय के लिए, आप तो सबको भगाते हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अरे अपना काम जो किए हैं 9 साल में ये ना बताइए देश की जनता को। नीतीश कुमार जी काम बताते हैं ना। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 2015 में तय किया, 7 निश्चय कंप्लीट हो गया। हम तो पॉजिटिव काम के आधार पर वोट मांगते हैं, आप नेगेटिव काम के आधार पर नकारात्मक बात करते हैं। आप अपना पाप सकारात्मक बात करिए ना, देश में क्या क्या काम किया आपने। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया ये ना बताइएगा। हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचा देंगे, कितना गरीब के खाता में पहुंचा ये ना बताइएगा। ये सब तो बताइएगा नहीं, कुछ है ही नहीं। और आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ नेतृत्व है प्रदेश का, वो आपको होमवर्क करके भी सही फीडबैक नहीं देता, गलत तथ्यों के आधार पर देता है। में भी दिखाए थे पुराना रिकॉर्ड, आपसे भी हम कहेंगे कि पुराना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लीजिए। जब विधानसभा चुनाव की गिनती हुई थी तो उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी 10:30 बजे नीतीश कुमार जी राजभवन जाके इस्तीफा देंगे और 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जरा पुराना पिन निकाल लीजिए ना। तो जुमलेबाजों का क्या कहना है, वो तो कोई भी जुमला बना देंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सरकार बना रहे थे। अरे ये सब जुमलेबाज हैं, कोई काम नहीं है, अपना प्रचार करना है। और देश में सिर्फ एक ही सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे खराब किया जाए, धार्मिक उन्माद कैसे पैदा किया जाए, इसी में काम में दिन भर लगे रहते हैं। अब उसको कुछ नहीं चलने वाला है। 2024 में आपका दुकान दौरी बंद होगा।